आइए, आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोडक्ट्स के प्रकार। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति के महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हम हमारे सन्मित्र बैंक के लिए ग्राहकों के लिए हम अलग अलग सेवाएं देते रहते हैं और उसके अंतर्गत उनको ये भी कोचिंग करते हैं हमारे जो बॉरोअर्स हैं उनको कि भाई प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, आपका धंधा कैसे बढ़ेगा। उसके अंतर्गत ही मैं प्रोडक्ट्स के प्रकार आपको बताने वाला हूँ। क्या है कि आपके पास में प्रोडक्ट की काफ़ी बड़ी रेंज होना जरूरी है। समझे, मोबाइल की एक कंपनी, उनके पास में काफ़ी सारी रेंज होती है। एकदम सस्ते वाला मोबाइल भी है, महंगे वाला मोबाइल भी है, और जैसा ग्राहक है उस तरह के मोबाइल और उस तरह के मोबाइल के अलग अलग प्रकार और उसमें अलग अलग सर्विसेज मोबाइल में या अलग अलग फीचर्स रहेंगे। मारुति का एग्जाम्पल लो। मारुति का ऐसी है कि एकदम इकोनॉमिकल कार भी है कि जो एकदम जिसको कार उसका जो कार सेक्टर वाला जो कस्टमर है उसको इकोनॉमिकल कार भी पूरी जाएगी। मतलब ऐसी एक कार है जिसको लेना इकोनॉमिकल भी है और एकदम महंगी वाली भी है, और जैसे जैसे लोगों को चाहिए जिस तरह से अलग अलग उसमें सर्विसेज या अलग अलग फीचर्स, तो वो हिसाब से उन्होंने कार बनाई है ताकि सब तरह के कस्टमर को हम सर्व कर सकेंगे। तो इसलिए फिर आपके बिजनेस में आपको मेनली चार प्रकार के प्रोडक्ट होना जरूरी है, और वो कौन से है कि नंबर एक फ्री बीज बोलते हैं हम, फ्री बीज प्रोडक्ट। फ्री बी प्रोडक्ट इसका मतलब वो फ्री बीज है, मतलब एकदम सस्ते वाले प्रोडक्ट है। हो सकता है कि एकदम सस्ते वाला प्रोडक्ट है वो, ताकि बीज जो है मधुमक्खी वो आपके पास में जमा हो जाएगी, काफ़ी लोग जमा हो जाएंगे क्योंकि वो फ्री है। या फिर एकदम सस्ता है कि लोगों को एकदम ईजिली वो खरीद सकते हैं लोग, और ईजिली अप्रोचेबल है, ईजिली मतलब खरीद भी सकते हैं, ऐसा है तो वो लोगों को और कॉमन आदमी को वो खरीद जा सकता है ऐसा प्रोडक्ट है वो, तो वो फ्री बीज है ताकि उसमें मधुमक्खी जैसे लोग जमा हो जाएंगे, काफ़ी लोग जमा हो जाएंगे, लोग खरीद सकते हैं या उनको फ्री में मिलेगा, उनको एक टेस्ट आती है आपके प्रोडक्ट की और फिर वो आगे सोच सकते हैं कि आपको खरीदना है नहीं खरीदना है। मतलब इस प्रकार का इजी ये जो है फ्री बीज प्रोडक्ट है। फिर नंबर दो जो है वो इजी टू बाय प्रोडक्ट। आपके पास में इजी टू बाय मतलब सस्ते वाला, थोड़ा सा फ्री बी से थोड़ा सा महंगा, और वो लोगों ने लेना चाहिए, और जो पहले फ्री बी में थे या एकदम थ्रो ए प्राइस में प्रोडक्ट था उसमें के लोग फिर ये इजी टू बाय प्रोडक्ट में आएंगे, जहां लोगों को थोड़ा सा पहले से महंगा है मगर वो एक क्लास अलग है, उसको थोड़ी ज़्यादा सर्विसेज अच्छी चाहिए, फीचर्स अच्छे चाहिए, और वो फिर खरीद सकता है वो इजी टू बाय में, तो वो इजी टू बाय प्रोडक्ट हो गया। तीसरा जो है वो है प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोडक्ट जो है ना, मतलब ऐसा फ्लैगशिप प्रोडक्ट कि जिसके नाम से वो आपकी कंपनी पहचाने जाएंगी, वो एक प्रोडक्ट है। और वो पहले जो स्टेजेस के कस्टमर है उनमें से ही कुछ कस्टमर वो प्राइमरी प्रोडक्ट लेंगे, तो वो हो गया प्राइमरी प्रोडक्ट। तीसरा हो गया ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। और चौथा जो है वो है हाई वैल्यू प्रोडक्ट। हाई वैल्यू मतलब अभी ये जो पहले तीन वाले है, पहला है फ्री बीज, दूसरा इजी टू बाय, तीसरा है प्राइमरी, और चौथा है हाई वैल्यू प्रोडक्ट। हाई वैल्यू मतलब ये उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है, एकदम क्रीम का लहंगा वो प्रोडक्ट, उसमें अपने एफर्ट्स कम है क्योंकि वो ब्रांड से बेचे जाता है, ब्रांड है वो और ब्रांड से बेचे जाता है, अपने एफर्ट्स कम है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है और वो कम लोग खरीदेंगे। तो इस तरह के ये जो चार प्रोडक्ट है, ये चारों प्रोडक्ट की रेंज आपके पास में होना चाहिए। जैसा आप कोई होटल में जाते हो तो वहाँ चार प्रकार की थाली है। एक थाली है कि वो 60 रुपये में मिल जाती है, उसमें जो भी कुछ वो देता है वो देंगे। फिर एक दूसरी थाली है वो 110 रुपये की है, और वो उसमें जो कि आइटम है उसने लिस्ट बनाई कि भाई ये आइटम इसमें मिलेंगे, तो 60 वाला कस्टमर अलग है, 110 वाला अलग है। फिर और तीसरी थाली उसके पास में है वो है 200 रुपये की, तो उसमें अलग अलग आइटम्स मिलते हैं और वो कस्टमर उसका अलग है। और चौथा है हाई वैल्यू प्रोडक्ट, और हाई वैल्यू प्रोडक्ट मतलब हाई वैल्यू थाली वो 350 रुपये की या 400 रुपये की, उसमें एकदम अलग है और वो बहुत अलग प्रकार की थाली होंगी, तो वो अलग कस्टमर उसके लिए है। तो उसको मालूम है कि आपको सभी कस्टमर को सॉल्व करना है। तो इस तरह के आपके पास में सब तरह के कस्टमर को और सब तरह के फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सब तरह के इंटरेस्ट वाले, उनकी इच्छा है, उनकी आकांक्षा है, उनको जो चाहिए वो, उनकी ज़रूरत है पूरी करने वाली और उनके खिसे को पूरने वाली जो प्रोडक्ट है वैसे आप रखते हैं, तो डेफिनेटली आप
बाकी लोगों से बहुत आगे बढ़ जाएंगे और आपका बिजनेस एक नए लेवल पे चले जाएगा। तो ये चार प्रोडक्ट है, इसके बारे में आप जो भी मतलब पूछना चाहते हैं जरूर पूछिएगा, मगर आप मेरे को फ़ोन नीचे नंबर दिए उसमें पूछ सकते हैं कि भाई कैसे डेवलप करना, क्या करना। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आपको बताऊंगा मैं कि ये कैसे बनाते हैं, कौन से प्रोडक्ट आपके लिए हो सकते हैं, और आप वो बनाते हैं तो डेफिनेटली आप एक नए लेवल पर जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी बिजनेसमैन को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।